ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत प्राउड फील हुआ मुझे उन पर। हम अहमदाबाद जा रहे थे, गाड़ी में थे तो इंटरव्यू लगा लिया। बड़ा दर्दनायक इंटरव्यू जब सुना तो मेरी भी आंख से आंसू आ गए कि कितने हद तक लोग गिर सकते हैं। इतना टॉर्चर किया उसको कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, जबकि अभी तक उसका गुनाह साबित नहीं हुआ। अगर 1% वो निर्दोष साबित हो गई तो क्या उसके शरीर को जो डैमेज किया गया है वो कोई दे सकता है, लौटा सकता है? इतना भयंकर टॉर्चर किया गया। एक टीवी चैनल के एंकर उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे पूछा, बहुत बड़ा इंटरव्यू उनका लिया और लास्ट में पूछा कि अभी मैं आपसे एक जाते जाते प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिसने आपकी ये हालत कर दी कि आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, आपके सर में इतना मार पड़ी कि ट्यूमर बन गई, रीढ़ की हड्डी पे इतनी मार पड़ी कि चकनाचूर हो गई, अपाहिज हो गई, अगर आज मैं उन लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहूं कि आप उनको क्या कहना चाहोगी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगी, तो ऐसी बात बोली कि थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गई और एक प्रेरणा ले गई। और ये ऐसे महान आत्माएं केवल भारत में ही पैदा हो सकते हैं, भारत की धरती के ही लाल हो सकते हैं। जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो भारत का कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन आज मैं आपके मंच से ये कह रही हूं कि जिन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर किया, इतना तकलीफ दी, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें क्षमा करती हूं, माफ करती हूं। कितना बड़ा दिल। हम श्री कृष्ण को झूला झूलाते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और बड़े गर्व की बात है कि यही उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण की जन्मभूमि, श्री राम की जन्मभूमि रहा है, जिन्हें हम अपने रोल मॉडल मानते, अपने आदर्श मानते, अपने पूज्य मानते, अपने इष्ट मानते हैं। तो एक बार विचार कीजिएगा, अगर 100 भूले माफ करने की ताकत श्री कृष्ण में है तो 10 भूले तो मैं भी माफ कर सकती हूं। यस या नो? अगर वो 100 भूले माफ कर सकते हैं तो क्या मैं 10 भूले माफ नहीं कर सकती? अपने चित्त को शांत करने के लिए, मेरे चित्त की शांति बहुमूल्य है, बातें कोड़ी तुल्य है जिनकी कोई कीमत नहीं, जो केवल 10 मिनट में अपनी जगह रखते हैं। उन कोड़ी तुल्य बातों के कारण मैं अपनी बहुमूल्य शांति को, बहुमूल्य संबंधों को खराब ना करूं। मिर्जा गालिब ने बहुत सुंदर बात कही, इस तरह मैंने अपने जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अगर इस जीवन को एंजॉय करना है, इसका आनंद लेना है, तो आप तो देवों के वंशज हो। देवता ये क्षमा का गुण धारण करके रखते थे, ये दिव्य गुण है, इस गुण को हम भी धारण करें।